हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। यहां पर जब भी आपको पाइथन के फाइल को रीड करना हो तो बहुत आसान सा कोड है। इसके पहले भी मैंने बताया था, एक बार फिर देखते हैं इसको। यहां पर देख सकते हैं ये पाइथन की फाइल हमने बनाई हुई है। ये देख सकते हैं ये पाइथन की फाइल है और ये टेक्स्ट फाइल है। एज अ टेक्स्ट फाइल इसको मैंने सेव किया myfile.txt के नाम से। अब इसको हमें रीड करना है, तो जब भी रीड की कंडीशन आएगी तो आपको क्या करना है वो बता देता हूं। देखिए, आपको एक कोड लिखना है। जब भी आप रीड करना चाहते हो तो इसे मैंने पहले, ये देखिए पता नहीं कितने टाइम yy.py के नाम से इसको सेव कर रखा है ये फाइल को। इस पर अभी कुछ लिखा नहीं है मैंने। तो यहां पर पाइथन को रीड करने वाला कोड लिखते हैं, पाइथन के फाइल को रीड करने वाला, जो टेक्स्ट फाइल है उसको रीड करने वाला कोड लिखते हैं। क्या लिखेंगे? f इज इक्वल टू ओपन, ये लिख दिया, ब्रैकेट को ओपन किया यानी स्मॉल ब्रैकेट, और डबल इंटर कॉमा में उस फाइल का नाम, तो myfile.txt, यही शायद था हमारे फाइल का नाम, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए myfile.txt के ही नाम से है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो myfile.txt रखना है, तो myfile.txt ठीक है, यानी टेक्स्ट फाइल है। कॉमा देंगे, r लिखेंगे यहाँ पे, r यानी कि यहाँ पर रीड की परमिशन है, तो यहाँ पे r लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। और एंटर करके नीचे आएंगे, फिर इसको प्रिंट करवा लेंगे। तो यहां लिखेंगे प्रिंट कुछ इस तरीके से, और प्रिंट लिखने के बाद f यानी फाइल डॉट रीड लिखेंगे, ठीक है, ये लिखा। और किसको रीड करवाना है, तो यहां पर फाइल को ही रीड करवाना है। तो जो फाइल है हमारी उसका नाम ऊपर दे ही दिया है हमने, बाकी एक ब्रैकेट ओपन हुआ था, दूसरा ब्रैकेट ओपन हुआ था, दोनों ही ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसको एक बार और सेव करके और रन करवा देते हैं। तो जैसे ही रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वही वाली फाइल हमारे सामने आएगी। यही है पाइथन की फाइल को रीड करना। समझ में आई बात?